एक ब्रह्मज्ञानी संत जो पिछले 6 दशकों से देश, धर्म और संस्कृति के उत्थान में अविरत लगे हुए हैं, ऐसे महान संत जो कि पिछले 8 सालों से जेल में रहते हुए भी जिनके द्वारा शुरू किए गए सेवा कार्य अविरत चल रहे हैं, वे जब कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हो जाते हैं तो भी उनके प्रति रत्ती भर भी इंसानियत नहीं दिखाई जाती, फिर इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 84 वर्षीय वृद्ध संत श्री आशाराम जी बापू की। 5 मई, आधी रात का वक्त, इन संत की हालत जोधपुर सेंट्रल जेल में नाजुक हो जाती है। वे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम होता जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल भी 3.7 तक हो जाता है। बापूजी को कई यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है। पल पल ऐसी बिगड़ती हालत को देखकर उनके करोड़ों भक्त किस वेदना में होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। जिनकी कृपा का सहारा लेकर इन भक्तों का जीवन संवरा है, ऐसे अपने गुरुदेव को इस दशा में पाकर वे भक्त साधक बिलख बिलख कर रो रहे हैं। ऐसे में न्याय की आस लगाए इन असंख्य भक्तों द्वारा देश भर में जिला अधिकारियों एवं सांसदों और विधायकों द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष के साधक विश्व भर से इस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, अपने क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि पूज्य बापू जी का जो मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य एक इंडिविजुअल का मौलिक अधिकार है, एटलीस्ट पूज्य बापू जी को जो उनकी बॉडी को सूट करे वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने की व्यवस्था की। श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ और महिला उत्थान मंडल की तरफ से प्रशासन और न्यायपालिका से यह गुहार की जा रही है कि जब बड़े बड़े अपराधियों को बेल या पेरोल मिल सकती है, तो पिछले लगभग 8 वर्षों में ऐसे महान संत को एक दिन के लिए भी जमानत क्यों नहीं? जब कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए हजारों कैदियों को 3 महीनों तक के लिए छोड़ा जा सकता है, तो इन निर्दोष हिंदू संत को क्यों नहीं? बापू जी के करोड़ों करोड़ों साधक हैं, उनकी मांग है कि बापू जी का अच्छे से अच्छे इलाज हो और वो स्वस्थ हो, और हमारी सरकार से, प्रशासन से प्रार्थना है कि हमारे बापू जी को न्याय मिले और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। भारत में नेता, अभिनेता, आतंकवादी, पादरी, मौलवी, इनको बेल मिल सकती है, तो क्या एक हिंदू संत को बेल नहीं मिल सकती? महान संत बाबू आसाराम जी जोधपुर जेल में है, उन्हें भी कोरोना ने अपने संकट में ले लिया है। तो भारत के नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। मेरा पूरी न्याय प्रणाली से ये अपेक्षा है, ये निवेदन है कि 84 वर्ष की आयु को देखते हुए बापू जी को जिस तरह से भी हम सुरक्षित रख सकते हैं वो उपाय हमको करना चाहिए, चाहे उनके द्वारा मांगी गई आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा या पैरोल या जमानत, कम से कम स्वस्थ होने तक उनको पैरोल पर रखा जाए, तो बहुत सारे लोगों की जो भावना उनसे जुड़ी हुई है उन सबको संतुष्टि की प्राप्ति होगी और सबको समान न्याय मिलना चाहिए। इस देश में ऐसी मेरी अपेक्षा है और मेरी विनती है समस्त न्याय प्रणाली से कि बापू जी की रक्षा करें। जो सुविधा है वो उनको मिलनी चाहिए, वो उनका तरह से भी बनता है, और उसको उम्र को देखते हुए मैं भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि सहानुभूति पूरे प्रकार की है।
आदरणीय आश्रम जिस कष्ट से गुजर रहे हैं और जो वही नहीं गुजर रहे हैं, सारा विश्व उससे पीड़ित है, उसको देखते हुए एक मानवीय आधार को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसको निभाते हुए उन्होंने भी कहा है कोई भी कोरोना पेशेंट जेल में या ऐसी सार्वजनिक स्थल में ना रहे, क्योंकि उससे जो संक्रमण फैलने का अंदेशा रहता है और भी लोग से प्रभावित हो सकते हैं। और फिर एक वयोवृद्ध और लाखों लोग उनके अनुयायी भी हैं और आज भी उनके नाम पर कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम में उनके जो कार्य देखे उसे लगा एक मानव उत्थान का कार्य है, मानव सेवा का कार्य है। तो मानवीय संवेदनाओं की तरफ ध्यान देते हुए उनके उम्र को देखते हुए सरकार को न्यायपालिका को ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 8 वर्षों से उन्हें एक दिन भी पेरोल या ऐसी कोई रिलीफ नहीं मिली है। मैं राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि उनकी उम्र 85 साल है, उनकी उम्र को देखते हुए, उनके सेवा कार्य को देखते हुए आरोप उनके ऊपर जो लगे हैं वो झूठे हैं ये साबित हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा सच के लिए। लेकिन आज जो उनकी परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए तो उनके जीवन की रक्षा के लिए मेरा ये राष्ट्रपति जी से, महामहिम से मेरी ये गुहार है कि उन्हें जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए और इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाए कि उनको जल्द से जल्द पेरोल मिले और वो स्वास्थ्य लाभ लें और वो अपने परिवार के साथ मिलें, अपने भक्तों के साथ मिलें। परम पूजनीय आचाराम बापू जी जो आज जेल में है, उनको पेरोल के लिए राष्ट्रपति जी को विनंती करके, प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करके और चीफ मिनिस्टर राजस्थान उनको विनंती करके पेरोल पे छोड़ा जाए। आज पूजनीय आचाराम बापू जी, काफ़ी वर्षों से, मैं जब से छोटा लड़का था तब से मैं आज उनको देखते आ रहा हूँ। वो हमेशा व सदैव सत्संग कीर्तन और सभी को अच्छी शिक्षा देना उनका अच्छा विचार रहा है। कैसे ये हो गया हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम ईश्वर के दर प्रार्थना करते हैं। और मैं उल्लासनगर का आमदार होने के नाते मैं अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी, चीफ मिनिस्टर, उन सबको आज मैं लेटर लिख के विनंती करता हूँ कि परम पूजनीय आचाराम बापू जी को पेरोल पे छोड़ा जाए, उनकी उम्र का लिहाज रखा जाए। मैं देश की न्यायपालिकाओं को, देश की कानून व्यवस्था को, उच्च स्तरीय बैठे नेताओं को, चाहे वो केंद्र के हो या राज्यों के हो, और विशेष राजस्थान सरकार को ये अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि जिन्होंने पूरे विश्व को एक अलग हिंदुत्व की दिशा दी, जिन्होंने हम जैसे करोड़ों लाखों लोगों को जीवन जीने की दिशा दी, ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत आसाराम जी बापू जोधपुर के जेल में हैं। न्यायपालिका कानून व्यवस्था अपना कार्य कर रही है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, पर जिन्होंने पूरे विश्व को रोशनी दी, ब्रह्म ज्ञान दिया, उनके लिए एक अलग विचार, एक अलग सोच रख के न्यायपालिकाओं को, कानून व्यवस्थाओं को रखनी चाहिए। हम चाहते हैं उम्र के इस पड़ाव में और कोरोना संक्रमित होने के बाद बापू जी को कुछ न कुछ न्यायपालिका द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें रियायत मिलनी चाहिए।
मैं श्रद्धेय आश्राम बापू जी को उल्लासनगर जिला की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नमन करता हूं और यह जो ज्ञापन योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से मुझे दिया गया है मैं तुरंत महामहिम राष्ट्रपति जी के पास मेरे लेटर पैड के साथ जोड़ करके पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आज का आज और मैं हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास भी यह पत्र मेरा भेजूंगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी यह पत्र भेज करके मैं यह मांग करूंगा कि हमारे आदरणीय परम पूज्य आशाराम बापू जी जो 85 वर्ष के हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कोरोना की वजह से भी वह अत्यंत कमजोर हो चुके हैं उन्हें तुरंत पैरोल पर छोड़ा जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी जो पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व के लिए और आध्यात्मिक क्रांति के लिए कार्य कर रहे हैं उनको विगत कई वर्षों से बिना किसी कारण और सबूत के जेल में रखा गया है। पूरे भारत के धर्माचार्यों ने इसके लिए आवाज भी उठाई लेकिन उसे सुना नहीं गया। वर्तमान समय में हम निवेदन करना चाहेंगे कि पूज्य बापू जी को जैसा उनके स्वास्थ्य को अनुकूल हो वैसी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। साथ ही साथ यह भी निवेदन है बापू जी को बेल मिले, उनका उम्र देखते हुए उनके कार्य की पृष्ठभूमि देखते हुए लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को उन्होंने जोड़ा है देश से और धर्म से, इसको देखते हुए उनको रिहा किया जाए, ये हमारा निवेदन है।
के रिहाई के लिए देश भर में अनेकों महिला संगठन प्रबुद्ध नागरिक मांग उठा रहे हैं, फिर भी आज तक उनके लिए कोई रियायत नहीं, कोई मानवता नहीं। आखिर क्यों, जब आतंकवादियों के मानवाधिकारों का भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे महान संत के मानवाधिकारों की अवहेलना क्यों? संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, क्या इन्हें अपनी अनुकूलता के अनुसार इलाज करवाने का भी अधिकार नहीं है? जब सबको समान न्याय, तो इन संत के प्रति पूर्वाग्रह या भेदभाव क्यों? जटिल और ढीली न्याय प्रक्रिया के अंत में जब वे भविष्य में निर्दोष सिद्ध होंगे, तो क्या ये सरकार या न्यायपालिका उनके इतने वर्ष या जेल में जाने से पहले जैसा स्वास्थ्य था वो लौटा पाएंगे?